चलिए, तो अंडर रिपोर्टिंग का मामला है, और वैसे बात बिल्कुल सही है। पिछले 10 सालों से अगर आपने ट्रैफिक की संख्या नहीं बढ़ती हुई देखी, टोल कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है, आपके रेवेन्यूज कैसे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर ट्रिगर पॉइंट है। आरबी इन्फ्रा इस समय दिन के निचले स्तर पर कामकाज कर रहे हैं, 215-60 के लेवल पे, और इस खबर के बाद ऊपरी स्तर पर आप देख सकते हैं मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन अभी अभी एक खबर आई है, उसका भी उस पर मैं आपको अपडेट दे दूँ, और एविएशन मिनिस्टर की ओर से ये बयान है। स्टॉक्स पर आज ऊपरी स्तर पर दबाव है, इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एवेज जैसे स्टॉक्स आज फिसलते हुए नजर आए। वह खबर यह है कि विमानन नीति जो है, नई विमानन नीति, उसकी बातचीत जो है वो अंतिम चरण में यहाँ पर चल रही है, यानी कि उस पर अब जल्द ही अपडेट आ सकता है, जल्दी फैसला आ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है, जो सुझाव आए हैं, उसमें टिकट कैंसिलेशन को लेकर आए हैं। तो ये एक खबर है, नई विमानन नीति पर जो चर्चा है वो अंतिम चरण में है। इंडिगो, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज आज आधे फीसदी से लेकर 1.5% के आसपास की गिरावट शो करते हैं कर रहे हैं। लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर की ओर चलते हैं, डीमैट रैकेट की सेबी जाँच में नया मोड़ आ गया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सभी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स जो हैं, उनकी जांच शुरू की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, शेयर प्रो का जो फ्रॉड निकल के आया था, ट्रांसफर फ्रॉड, जिसके ऊपर एक शिकायत हुई थी, सेबी के पास शिकायत गई और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन अब पूरी खबर अभी के हिसाब से ये जो डीमैट रैकेट है, ये कितना ज्यादा एक फैला हुआ रैकेट साबित हो रहा है, और क्या डिटेल्ड खबर है आपके पास? बिल्कुल, पिछले कुछ महीनों में सेबी के पास कई ऐसी शिकायतें आई हैं जहां पे फिजिकल जो शेयर्स हैं उनको डीमैट फॉर्म में बदला गया है, लेकिन जो असल में जो फिजिकल शेयर होल्डर्स थे उनको वो डीमैट फॉर्म में नहीं किया गया, कोई प्रॉक्सी लोग खड़े हो गए हैं जो फिजिकल शेयरों को डीमैट फॉर्म में बदल रहे हैं। और उसके बाद शेयर प्रो का मामला आया, और अब सेबी ने जितनी भी जो NSDL में 95 RTA कंपनीज हैं और CDSL में 135 RTA कंपनी है, दोनों मिला के जो करीबन 200 से ऊपर जो RTA कंपनीज हैं, उन सभी की जांच का सेबी ने आदेश दे दिया है। सभी सेबी जानना चाहता है कि कहीं कोई एक रैकेट सक्रिय तो नहीं है जो फिजिकल शेयरों को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि हम कुछ पिछले हफ्ते हमने ही खबर दिखाई थी कि मुंबई पुलिस को भी एक ऐसे रैकेट का पता चला है जो फिजिकल शेयर्स को डिस्काउंट में खरीदते हैं और डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं, और यही पूरा मामला शेयर प्रो में भी देखा गया था। तो कहीं ना कहीं सेबी को भी ये शक है कि कहीं RTA के जो ऑफिशियल्स है वो तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये जो जानकारी होती है कि पिछले कुछ सालों में किसी ने डिविडेंड के लिए अप्लाई नहीं किया, या जो लेटर्स भेजे गए हैं वो प्रॉपर एड्रेस पे नहीं जा रहे हैं, या पर्टिकुलर शेयर्स पे शेयर होल्डर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इस सब की ये पूरी जानकारी केवल और केवल रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास होती है। तो लिहाजा हो सकता है कि RTA के थ्रू ही ये जानकारी लीक होती है, और ये जो रैकेट है ये RTA के ऑफिसर के साथ कहीं ना कहीं संपर्क में रहते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसी को देखते हुए सेबी ने अब ये जांच के आदेश दिए हैं।